सीधे लिए चलते हैं आपको बेरमो, जहां बीजेपी की चुनावी सभा हो रही है, जहां हेमंत बिश्व शर्मा संबोधित कर रहे हैं। मुर्मू जी, संजय सिंह जी, जगतपति सिंह जी, बलराम रावानी जी, सुनील मंडल जी, विक्रम गोस्वामी जी, अजय सिंह जी, विनोद काश्यप जी, जगन्नाथ राम जी हमारे बीच में उपस्थित, नवीन जायसवाल जी, प्रकाश सिंह जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को दो सीधा सीधा बात बोलूंगा। आप लोग देखिए, मैं सुबह जामतारा गए थे और दो दिन से मैं संथाल परगना में मीटिंग कर रहा हूं। लोग मुझको बोला है कि संथाल के साहेबगंज पाकुड़ जामतारा जिले में शुक्रवार का दिन स्कूल बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? कि नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार का दिन स्कूल को बंद करवा दिया जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर ये झारखंड सरकार नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद देते हैं, तो हमें भी हनुमान पूजा करने के लिए मंगलवार को बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है कि नहीं सही है? सही है? आप बताइए, ये नवीन जी विधायक है, झारखंड असेंबली में नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों ने कमरा दिए। मैं बोलना चाहता हूं, अगर झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा देते हो तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कमरा देना सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं सही है? भाई साहब, आप लोगों को मैं आज बात बताना चाहूंगा। ये जो सरकार है ना, ये जो हेमंत सोरेन का सरकार है, ये जो अनूप सिंह का सरकार है, ये घुसपैठियों का सरकार है, ये हमारा सरकार नहीं है। भाई और बहनों, मैंने पलामू किए, मैंने हजारीबाग किए। लोग बोलते हैं हमें रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया जाते हैं। पलामू में मिथिलेश ठाकुर ने दुर्गा पूजा में विसर्जन का भी बंद कर दिए हैं। भाई और बहनों, रामनवमी का जुलूस में हम लोग क्या लाठी लेके निकलता हूं? क्या लाठी होते हैं हिंदू के हाथ में? लेकिन आप बोलिए, महरम का प्रोसेशन में लाठिया होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर लाठी का साथ आप महरम का जुलूस निकालने देते हो, तो हमारे रामनवमी का जुलूस बंद करने का आपको अधिकार किसने दिया? ये भी हेमंत सोरेन हमें बताओ, ये भी हेमंत सोरेन हमें बताओ। नहीं बता सकते हैं। किस लिए? ये सरकार घुसपैठियों के आगे नतमस्तक करके बैठा हुआ है। भाइयों और बहनों, हमारे संथाल में 1951 में 23 लाख लोग थे, उसमें 20 लाख हिंदू थे, लेकिन आज हिंदू 90% से घट के 67% हुए, मुस्लिम 9% से 37% हुए, आदिवासी 44% से घट के 26% हुए। कैसे हुए? आज पूरा संथाल घुसपैठिया से भर चुके हैं। ये लोग आते हैं मद्रासा में, ये लोगों को आधार कार्ड बना दिया जाते हैं। ये लोग आते हैं हमारा बेटी को जाल में फंसा के शादी करते हैं और हमारे जमीन को हड़पने का काम करते हैं। भाइयों और बहनों, ये सुनो बेरमो का नहीं है, ये सुनो बोकारो का नहीं है, ये सुनो धनबाद का नहीं है, ये सुनो मेरे बेटी रोटी और माटी को बसाने का सुनाओ है। भाइयों और बहनों, ये
ऐसा नहीं है जो सरकार रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, जो सरकार दुस्साहस करते हैं शुक्रवार का दिन स्कूल बनने का, यह सरकार हमारा नहीं है। यह सरकार घुसपैठियों का आगे नतमस्तक है। क्यों? घुसपैठिया 100% वोट कांग्रेस और जेएमएम को देते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है? हमारा हिंदू समाज को बांट रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, हमारे समाज को एक एक करके वो बांट के हमें घुसपैठियों के आगे नतमस्तक करवा रहा है। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये चुनाव में हम एक होके घुसपैठिया का खिलाफ हमें वोट देना पड़ेगा, झारखंड का रोटी माटी बेटी को बसाने के लिए हमें वोट देना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देख सकते हो हमारा झारखंड में ये आदिवासियों का बहनों का बेटियों को वो लोग शादी करते हैं, पंचायत का मुखिया बना देते हैं और हमारा जमीन हड़प लेते हैं। आज पाकुड़ में 37% मुसलमान, साहेबगंज में आज 34% मुसलमान। ये क्या देश का मुसलमान हो सकता है? नहीं। घुसपैठिया आते रहे हैं और झारखंड को चारों ओर से घेरने का काम कर रहा है। यह सरकार हमारा नहीं है, यह सरकार इरफान अंसारी आलमगीर आलम का सरकार है। यह सरकार हमारा नहीं है, इसीलिए भाइयों और बहनों, ये लोगों का पाप ज्यादा हो चुका है। ये इरफान अंसारी आलमगीर आलम को गंगा में फेंक देना चाहिए सर्विसिंग करवाने के लिए। उनका सर्विसिंग होना जरूरी है। और हम कैसे सर्विसिंग करेगा? कमल फूल में अगर हम वोट देते हो तो ये लोगों का सर्विसिंग अपने आप हो जाएगा, ये आप लोग निश्चित रहिए। भाइयों बहनों, ये सरकार घुसपैठिया का सरकार है, ये सरकार झूठा है, वादा खिलाफी का सरकार है। आप मुझे बताइए, ये जो हेमंत सोरेन है, ये क्या बोले थे? अगर मैं शिबू सोरेन का बेटा हो, चुनाव जीतने का बाद मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। बेरमू में किसका किसका नौकरी हुए? हाथ उठाइए। किसका किसका नौकरी हुए? किसी का नौकरी हुए? किसी का नौकरी नहीं हुए। क्या बोले थे? कि जब तक नौकरी नहीं होगा 5,000-7,000 रुपया भत्ता मिलेगा। किसको किसको भत्ता मिले? किसको किसको भत्ता मिले? किसी को भत्ता भी नहीं मिले। किसका नाम में कसम खाए थे? अपना पिताजी का नाम में। क्या कोई हिंदू पिताजी का नाम में गलत कसम खाएगा? कोई हिंदू पिताजी का नाम में गलत कसम खाएगा? लेकिन ये हेमंत सोरेन फूला आम अपना पिताजी का नाम में गलत कसम खाए और हमारे युवाओं को ठगने का काम किए हैं। भाइयों और बहनों, अभी क्या करते हैं? जब चुनाव आने का समय हुआ, ये मैया मैया करने लगा। जब चुनाव का पहले मां का याद नहीं थे, जब चुनाव आए ये दिन रात मैया मैया करते हैं। मैं मैया को पूछना चाहूंगा, अगर घर का बेटा कॉलेज पास करते हैं, यूनिवर्सिटी पास करते हैं, बेटा का रोजगार नहीं होते हैं, कोई मैया शांति से सो सकता है क्या? कोई मैया शांति से सो सकता है क्या? आज आप मुझको बताइए, झारखंड में 3
3 लाख सरकारी पोस्ट खाली है। अगर ये 3 लाख पोस्ट में नौकरी देते थे तो 3 लाख मैया का घर में शांति आ जाते थे, लेकिन उन्होंने किसी को नौकरी नहीं दिया। क्या किया? मैया का 1000 रुपया, बुजुर्ग का पेंशन मिला है क्या? 5 महीना से बुजुर्ग को पेंशन मिला है क्या? विधवा को पेंशन मिला है क्या? दिव्यांगजन को पेंशन मिला है क्या? नहीं मिला है। यही बुजुर्ग का पेंशन ये लोग मैया सम्मान कर रहा है, घर में सास का पैसा बंद करके बहू को दे रहा है, सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया है। ये लोग दिया है कि नहीं दिया है? सास का पैसा बंद, बहू का अकाउंट में पैसा, 6 महीने के बाद बहू का अकाउंट बंद होगा, बुजुर्ग का सास का अकाउंट में पैसा जाएगा, म्यूजिकल शेयर चलते रहेगा। एक बार सास, एक बार बहू, एक बार बहू, एक बार सास। लेकिन बीजेपी सरकार आएगा, बुजुर्ग को हम 2500 रुपया का पेंशन देगा और गोगो दीदी माँ और बहू को 2100 रुपया देने का काम करूंगा। एक साथ सास का अकाउंट में भी 2500 रुपया और बहू का अकाउंट में भी 2100 रुपया, सास और बहू दोनों एक साथ बाजार में जाएगा सामान खरीदने के लिए। सास और बहू के बीच में झगड़ा नहीं लगाना है, सास और बहू को झगड़ा लगवाने का काम ये हेमंत सोरेन सरकार कर रहा है। ये गंदा दिमाग किसने दिया होगा? मेरा तो विश्वास है हेमंत सोरेन को ये गंदा दिमाग अनूप सिंह ने ही दिया होगा, है कि नहीं? इसलिए ये इसका दिमाग गंदा दिमाग है। सास का बंद करो, बहू को पैसा दो, बहू को पैसा बंद करो, सास को पैसा दो। ये लोग क्या बोलते हैं? कल्पना सोरेन, आबू आवास देता हूं। अरे बोलिए, आबू आवास मिलने के लिए बाबुआ को कितना पैसा देना पड़ता है? कितना पैसा देना पड़ता है? 30,000, कहीं 40,000, कहीं 30,000। आबुआ को घर मिलने के लिए, आबुआ आवास मिलने के लिए बाबुआ को पैसा, ये तो बबली बंटी का दिमाग होना पड़ेगा, है ना? ये तो बबली बंटू का बंटी का दिमाग होना पड़ेगा। भाई बालू नहीं है, आवास कैसे बनेगा? बीजेपी सरकार आएगा, 21 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनेगा और बालू पूरा बिना पैसा में झारखंड में सबको मिलने का काम, हम दिलवाने का काम हम लोग करेगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, हेमंत सोरेन जी ने झोले देते हैं ना, खाली झोले, उनका फोटो भी होता है झोले में, होते हैं कि नहीं? आप लोगों को खाली झोले मिला है कि नहीं मिला है? मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूं। 10 दिन पहले मैं बरकट्ठा गए, आने का समय में एक मां को देखा बाजार में, एक झोले लेके आ रहा है, उसमें हेमंत सोरेन का फोटो है। मैंने ड्राइवर को बोले, भाई ऐसे ही कस कर रहा हूं, यहाँ बीजेपी आने वाला नहीं है। तब ड्राइवर ने बोला, साहब गाड़ी रुकवा देता हूं, पूछ लो। मैंने गाड़ी रुकवाया और मैंने हमारे बहन को जाके पूछा कि मां वोट किसको देने वाला है? बोले बीजेपी को देने वाला है। मैं तो शौक किया, अरे झोले हेमंत सोरेन का है, वोट बीजेपी को देने वाला है। मैं बोला, आपका झोले तो हेमंत सोरेन का है। तो मुझको बोला मां ने, तुम पढ़े लिखे हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग गधा हो गया है। मैं बोला, कैसे मां? बोले देखो,
ये झोले हेमंत सोरेन ने दिए हैं खाली झोले, लेकिन अंदर का साउल नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। वो मां सच बोले है कि नहीं बोले है? देखिए तुम खाली झोला पकड़वा देते हैं, अरे मोदी जी साउल देते हैं, आप तो थोड़े थोड़े दाल भी दे सकते थे, लेकिन क्या किया, खाली झोला लेके चला जाओ। बेटी बहू का शादी हो गया, सोने का सिक्का किसको किसको मिले? हेमंत सोरेन बोले थे ना कि बहू और बेटी का शादी होने का समय सोने का सिक्का देगा, किसको किसको सोने का सिक्का मिला? हाथ उठाइए ना, किसको किसको मिले? किसी को नहीं मिले। ये सोने कहां गया, कहां गया ये सोने? ये सारा सोने आलमगीर आलम खा गई। उनका घर में 3500 रुपया बरामद हुए कि नहीं हुए? ये कहां का 3500 रुपया है बताइए तो? इसका डिपार्टमेंट क्या था नवीन जी? आरबी, ग्रामीण विकास, जहां से आवास बनते हैं, रोड बनते हैं, आवास बनते हैं। ये जो आप लोग बाबुआ को पैसा दिया ना, यही पैसा वो वहां जाके जमा हुए थे। ये आपका पैसा है, ये आलमगीर आलम के घर में जो पैसा पकड़ा गया है ना, ये झारखंड का गरीब मैया और हमारे पिता का, हमारे बेटा का, हमारा बहू का पैसा है। ये उन्होंने बांग्लादेश से नहीं लाया, ये पैसा आपका है, ये झारखंड का पैसा है। और ये आलमगीर आलम इरफान अंसारी खुलेआम लूट रहा है। इसीलिए एक बार बीजेपी का सरकार आने दीजिए, ऐसा सर्विसिंग करूंगा ना जिंदगी में और पैसा लूटने का हिम्मत नहीं करेगा। भाई और बहनों, एग्जाम करते हैं और क्वेश्चन पेपर फर्स्ट कैकेट 30 लाख 40 लाख रुपया में बिक्री कर देते हैं। गरीब के पास 30 लाख रुपया है नौकरी खरीदने के लिए, गरीब के पास 40 लाख रुपया है, तो कहां से आप लोगों को नौकरी मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगा? ये आज जेएमएम का सरकार ने झारखंड का युवाओं का साथ खिलवाड़ किया। इसीलिए मैं हमारा बीजेपी का सबको बोला हूं, देखो सरकार आएगा पहला कैबिनेट में हम सीजीएल का परीक्षा को रद्द करूंगा, और जो लोगों ने ये सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक किया, ये लोगों को धक्का मार मार के जेल का अंदर करूंगा। अगर हम लोगों ने मां का दूध पिया हो तो ये लोगों को हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये हमारा वादा है। झारखंड वासियों को यह हमारा वादा है। भाई और बहनों, कल्पना जी बोलते हैं एक ही नारा हेमंत द्वारा, हेमंत जी क्या बोलते हैं, कल्पना जी से कोई नहीं बढ़िया। हम क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का एक दूसरे के लिए सिनेमा देखने के लिए आया हूं क्या? हमारा और कोई काम नहीं है क्या? मैं कल्पना जी को बोलता हूं एक ही नारा झारखंड का जुबा दोबारा, एक ही नारा झारखंड का गरीब दोबारा। आवास के लिए पैसा लूटते हो, क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हो, घुसपैठिया को बुला के मेरा बेटी को लाभ से हाथ करवाते हो, और बोलता है हेमंत दोबारा। इसीलिए वाजपेयी जी ने झारखंड बनाया था। वाजपेयी जी अगर सोचते थे ना कि ये झारखंड बनाने का बाद इरफान अंसारी आलमगीर आलम जैसा लोग पैदा होगा, वो हजार बार सोचते थे झारखंड बनाने का पहल। भाई और बहनों, ये झारखंड हमारे सपने के झारखंड थे, ये झारखंड को ये लोगों ने लूटे, हमारे सपने को उन्होंने तोड़ने का काम किए। आज ये लोग सरकार नहीं है, ये लोग लुटेरा है, दलाल है, माफिया है,
और कुछ नहीं है। भाई और बहनों, आपका हाथ में सिद्धांत है। झारखंड को आप ऐसे ही रहने देगा कि एक नया झारखंड बनाएगा, सिद्धांत आप लोगों का हाथ में है। भाई और बहनों, आप झारखंड घुसपैठियों को मत दीजिए। ये झारखंड सिद्धू कानू का झारखंड है, पीताम्बर नीलम्बर का झारखंड है, शेख भिखारी का झारखंड है, चट्टा भगत का झारखंड है, ये फूलू जानू का झारखंड है। ये झारखंड आलमगीर आलम और इरफान अंसारी का झारखंड नहीं है, ये नहीं है। भाई और बहनों, बातना नहीं है, कोई इतिहास गवाह है। जब हिंदू बांटते हैं, हिंदू हार जाते हैं। अगर जयसन का जन्म नहीं होते थे तो हमारा देश में मुसलमान आक्रांता कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन इतिहास यही भी गवाह है, जब हिंदू एक होते हैं ना, बाबरी मस्जिद भी तोड़ जाते हैं, राम जन्मभूमि भी बनते हैं। ये इतिहास गवाह है, हिंदू बिगड़ते हैं, हिंदू बांटते हैं, तब जयसन का जन्म होते हैं, और जब हिंदू एक होते हैं, राम जन्मभूमि मंदिर बनते हैं। ये इतिहास इसका गवाह है। भाई और बहनों, हम बांटेगा तो दोबारा ये सरकार यही लोग लेके जाएगा। इस बार का चुनाव बेरमो का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव धनबाद का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव हमारे समाज का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव झारखंड को बसाने का चुनाव है, मेरा भविष्य को बसाने का चुनाव। भाई और बहनों, ये बंटी बाबू का सरकार हमें नहीं चाहिए, ये सरकार हमारा काम नहीं करेगा। आप लोगों विनती करता हूं, एक होइए, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। और बांटेगा ना, इरफान अंसारी आलमगीर आलम का पैदा होगा। जब हम बांटेगा ना, इरफान अंसारी आलमगीर आलम का पैदा होगा। भाई और बहनों, ये सुनो, किसने टिकट मिला, किसने टिकट नहीं मिला, इसका चुनाव नहीं है। ये सुनो, मेरा झारखंड का चुनाव का भविष्य के लिए चुनाव है। बीजेपी आप लोगों को बताना चाहेगा, चुनाव होने का एक साल के अंदर में हम झारखंड का 3 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम करूंगा, ये बीजेपी का वादा है। भाई और बहनों, एक बात बताइए और डायरेक्टली बताइए, सहारा में किसका किसका पैसा जमा हुआ है, किसका किसका पैसा फंस गया है सहारा में, कितना रुपया, कितना लाख, लाखों लाख, आपका 3 लाख, आप लोगों का पीछे में कितना सहारा का पैसा, कैसा पैसा था? ये आलमगीर आलम का पैसा नहीं था, ये खून पसानी पसीना से कमाने वाला पैसा था। किसी का बेटी का शादी के लिए जमा करके रखने वाला पैसा था। बीजेपी का वादा है, हमारा सरकार आएगा, सहारा का पाई पाई पैसा आपको लौटा दिया जाएगा, ये हमारा वादा है। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री जी ने बोल के किया है, और हमारा मैनिफेस्टो में भी हमने लिखा हूं, सरकार आएगा, सहारा का पैसा गरीब और मध्यम वर्ग को लौटा देना
हमारा जिम्मेदारी होगा और ये जिम्मेदारी हम निभाऊंगा। भाई और बहनों, हमें एक सरकार चाहिए जो आपके लिए सोचते हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा और साल में 200-200 गैस सिलेंडर बिना पैसा में भी सरकार देने का काम करेगा। भाई और बहनों, ये सरकार आपके लिए काम करेगा। हमारा झारखंड के रोटी माटी बेटी को बसाने के लिए काम करेगा। भाई और बहनों, ये सुनाओ, हमारे झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। भाई और बहनों, बीते 4 महीना हमने झारखंड में बिताया। हमने झारखंड को करीब से देखने का मौका मिला। मैं आपको बताऊंगा, ये सुनाओ, अगर आप हेमंत सोरेन को नहीं हटाएगा ना, ये पूरा झारखंड लुटेरा और दलालों ने लूट लेके चला जाएगा, ये मैं आपको गारंटी का साथ बोल सकता हूं। ये सरकार आपका नहीं है। किसी का घर में 35 करोड़ रुपया बरामद होते हैं, कोई एक्शन नहीं, उनका बीबी को ही इलेक्शन का टिकट दिया जाते हैं। कि ये सरकार आपका हो सकता है? ये सरकार आपका हो सकता है, बोलिए आप। ये सरकार आपका और हमारा नहीं है, एकदम भूल मत कीजिए। ये सरकार को हटाना हमारा फर्ज है, हमारा समाज और हमारे संस्कृति को रक्षा करने के लिए ये काम हमें 20 तारीख को करना पड़ेगा। कोई किसी को अच्छा पाएगा, कोई किसी को खराब पाएगा, लेकिन वोट एक जगह में ही पड़ना पड़ेगा, कमल साप में ही पड़ना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बेरमो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कब जीतेगा? जब वोट नहीं बांटेगा। अगर वोट बांटेगा ना, कुछ जयराम जी लेके जाएगा, कुछ पांडे जी लेके जाएगा और घुसपैठिया फिर शासन में आ जाएगा। समझ गया है ना? जब जब हिंदू बांटते हैं भारत हार जाते हैं, और जब जब हिंदू एक रहता है राम मंदिर बनता है। यही हमारा समाज है। इस बार का चुनाव हम एक साथ रहने का चुनाव है, इस बार का चुनाव कमल साप में वोट देने का चुनाव है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये घुसपैठियों को खाली नरेंद्र मोदी ही निकाल पाएगा। ये सरकार मोदी जी का डबल इंजन का सरकार हो, झारखंड को विकास का एक नया दिशा में लेके जाने वाला सरकार बने, यही समय का पुकार है। भाई और बहनों, सब एक साथ होइए, बांटना नहीं। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। क्या रहेगा? एक रहेगा तो सेफ रहेगा। एक रहेगा तो सेफ रहेंगे। एक रहना है ना, है कि नहीं? इधर बोलिए, एक रहना है कि नहीं? पांडे जी को जिताना है कि नहीं? जिताना है तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, रविंद्र पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। भूलिए मत, 20 तारीख कमल साहब में वोट देना, नया झारखंड का इतिहास बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।